अब यहाँ पे अगर प्रूफ करना है इसको, आगे अब क्या करेंगे? देखो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, बाकी मैं प्रूफ कर दिया हूँ, सबसेट हो गया है, ये ओपन एसक्यूएल में लिया ना एक्स्ट्रा जो कि इसमें कंटिन्यू किया, लेकिन हमें क्या दिखाना, देखो अब इसके आगे जरा मैं समझाता हूँ। हम ये लिए थे एक्स जीरो एप्सिलॉन जीरो ओपन एसक्यूएल, ठीक है, इसका एक पॉइंट मैंने ले लिया एक्स, तो मुझे बस यही दिखा देना है इस एक्स का एक ओपन एसक्यूएल मिलेगा ये, जो कि इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ये दिखा दूंगा इस एक्स का ये नेबरहुड हो गया, मतलब क्या हो गया, ओपन सेट हो गया। बस इसको दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, सब कुछ हो गया, ये ओपन स्फीयर भी मैं आपको रिसर्च नहीं देता हूँ, तो मुझे दिखाना ये इसका सबसेट है, तो मैं क्या करूँगा, इसका एक पॉइंट लूंगा वाई, दिखा दूंगा वो इसका भी पॉइंट है, सबसेट हो गया, बस यही करना है। तो अब चलो स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। नाउ कंसिडर द ओपन स्फीयर ये x का ये ओपन स्फीयर, ठीक है, यही वाला x सेंटर में है, एप्सिलॉन इसकी क्या हो गई रेडियस, जब एप्सिलॉन में ये लिखा, ठीक है ना। सो यहां पे देखो हियर s x 0 एप्सिलॉन, ये है क्या, ये क्या है, वो सारे p आएंगे x पे, such that d of p x 0 क्या होगा, less than एप्सिलॉन 0, ठीक है ना, ये एप्सिलॉन 0 की बात कर रहा हूं, और यहां पे ये x एप्सिलॉन ये क्या है, वो सारे q आएंगे x के, such that d of, ठीक है, q x क्या हो जाएगा, less than एप्सिलॉन, यही है ना। चलिए अब मुझे क्या दिखा देना है, ये जो ओपन स्फीयर मिल रहा है ना x का, x को मैं पॉइंट लिया हूं, ये ओपन स्फीयर क्या होगा, इस ओरिजिन से क्या होगा, सबसेट हो जाएगा, तभी तो ये नेबरहुड होगा ना x का। सबसेट दिखाने के लिए क्या दिखाऊंगा, सेट थ्योरी का, अगर a सबसेट है b का, कैसे दिखाते थे, यहां तक कोई भी एलिमेंट लेता था मैं दिखा देता था ये एलिमेंट b का है ना, तो मतलब ये सबसेट हो गया। तो अब क्या करेंगे, एक पॉइंट लूंगा का, मैं दिखा दूंगा वो पॉइंट किसका, किसके बिलोंग करता है। So, now, let y एक पॉइंट लेता हूं मैं किसका, एस एक्स इसका एप्सिलॉन। अब अगर ये पॉइंट ले लिया बाय डिफिनेशन x के साथ इसका जो डिस्टेंस होगा ना वो क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा, सो d of y x क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। ये क्लियर है, बोलिए। सो इसको लिख लो इक्वेशन नंबर। अब मुझे क्या दिखाना है, इस y, ये जो y होगा ना किसमें बिलोंग करेगा, इसमें, और इसमें बिलोंग करेगा कब, जब y का x 0 के साथ डिस्टेंस एप्सिलॉन 0 से छोटा होगा, ये दिखाना है। सो मुझे क्या दिखाना है, d of, ठीक है ना, y x 0 less than एप्सिलॉन, ये दिखाना है, ठीक है ना। सो चलो मैं क्या कर रहा हूं, बीच का एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्या ध्यान देना, y x और d, ठीक है ना, x x 0, बीच का एक पॉइंट x इंट्रोड्यूस कर दिया, मैट्रिक स्पेस के ट्रायंगल इनइक्वालिटी से ये होगा, थर्ड जो डिफिनेशन का थर्ड लास्ट पॉइंट है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, y x 0 के बीच का डिस्टेंस हमेशा लेस देन और इक्वल होगा अगर बीच में कोई पॉइंट x इंट्रोड्यूस कर दिया, वह नहीं होगा, यहां पे लिख दो बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, समझा गया, ठीक है ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हुआ। अब ये होगा क्या, d of y x है क्या, लेस देन एप्सिलॉन है कि नहीं, सो लेस देन एप्सिलॉन प्लस d of x x 0 है कि नहीं बेटा, ठीक है ना, इसको आप लिख दो। चलो यही पे इसको जो आप लिखे हैं प्रूफ ना, वहां पे इक्वेशन 1 लिखो, इसको इक्वेशन 2 लिखो, वो कर लेना, अभी जब आप प्रूफ लिखोगे ना तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब जरा ध्यान से देखो, तो x x 0 इसको इधर लाओ, प्लस एप्सिलॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा कि नहीं, एप्सिलॉन प्लस इतना p ऑफ x x 0 क्या होगा, एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। तो हमने क्या दिखाया, अल्टीमेट ये डिस्टेंस इससे लेस देन और इक्वल टू, फिर लेस दिखा दिया, मतलब ये डिस्टेंस छोटी होगी एप्सिलॉन 0 से, तो दैट मींस क्या हो गया, d of y of x 0 is less than epsilon 0,
और ये कंडीशन क्या शो करता है, ये कंडीशन क्या शो करता है, ये वाई जो होगा इस ओपन स्पीयर में आएगा कि नहीं बोलो। इस वाई का अगर डिस्टेंस एक्स जीरो के साथ इप्सिलॉन से छोटा है तो ये वाई किसका एलिमेंट हो जाएगा इस ओपन स्पीयर का। तो आप किए क्या, वाई एलिमेंट लेके चल रहे थे इसका, दिखा दिया वाई इसमें बिलोंग कर दिया, सो दैट मीन्स क्या होगा वाई किसमें, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखो सिंस वाई बिलोंग्स टू एस ऑफ एक्स इप्सिलॉन, और ये क्या इंप्लाई करता है y belongs to s x 0 epsilon 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो गया, इसका मतलब s x this is सबसेट ऑफ इसका s x 0 epsilon 0, मैं बता पाया कि नहीं बता, और यही प्रूव किया हमने, यही दिखाना था हमें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया hence जो मैं पॉइंट लिया था x किसका यहाँ का, ठीक है ना, तो x को कंटेन करने वाला एक ओपन स्फीयर ये मिल गया, x इप्सिलॉन ओपन स्फीयर ये मिला, और ये किसका सबसेट हो गया इसका, ठीक है ना, s इप्सिलॉन x, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है इस x का क्या हो जाएगा नेबर होगा, हो गया ना, सो दैट मींस क्या हुआ, ये जो होगा अपने x कोई भी x में ले रहा हूं आर्बिट्री है ना, हर एक x का क्या हो जाता है नेबर हो जाता है, मतलब ये क्या हो गया ऑफेंसिव होते हैं डिफरेंशियल से, सो सिंस x0 epsilon 0 इज नेबर ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा x0 epsilon 0 इज एन ओपन सेट इसका, पूरा मैट्रिक्स इसको ये क्या करना था, मैं पूरा क्लियर समझा पाया, पूरा क्लियर समझा पाया हमें, को पूरा प्रूफ को फिर से मैं समराइज करता हूँ, एक ओपन स्फीयर लिया, मुझे दिखाना था क्या ओपन सेट है, अगर ये ओपन सेट है इसका मतलब क्या होगा, डिफिनेशन में अपने हर पॉइंट का ये क्या होगा नेबरहुड होगा, इसका मैंने एक पॉइंट ले लिया और मुझे दिखाना क्या कि इस पॉइंट का एक ओपन स्फीयर मिलेगा कंटेन करने वाला जो कि इसका सबसेट होगा, और पूरा मैथमेटिकली जो आपको लैंग्वेज यही दिखा दिया, इस पॉइंट का एक ओपन स्फीयर मिल गया, ओपन स्फीयर जो कि इस जो ओपन स्फीयर उसका क्या है सबसेट है, दैट मीन्स क्या हो गया ये एक्स का ये जो है ना क्या हो गया नेबर हो गया, और नेबर हो गया मतलब क्या हो गया ओपन सेट, ठीक है, जो आपको बस करेक्ट करना था, ये जो एप्सिलॉन आप लिया था इसको इक्वेशन में डाल दीजिए जो आप लिख चुके हैं, ताकि ये पूरा यहाँ पे लिख दो, फ्रॉम वन इक्वेशन वन चाहिए, ठीक है ना, आई होप मैं समझा पाया, सो इसको लिख के चल जाइए, कल इस पर कुछ और एग्जाम्पल कल कल है कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, फिर जो है और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट्स, यूनिट पॉइंट्स, उसके बाद फिर क्लोज सेट के है।